अभी जो इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हो रहा है 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप, वो एक्चुअली इंग्लैंड में नहीं होने वाला था, होने वाला था दूसरे कंट्री में, लेकिन इंग्लैंड को मिल गया। और इंग्लैंड में जो वर्ल्ड कप होना था वो था कोई और वर्ल्ड कप, वो इंग्लैंड को नहीं मिला था उस बार। इनसे जुड़े और भी बहुत सारे बातें जो आपको जानना चाहिए एज ए क्रिकेट फैन, तो जुड़े रहिए मेरे साथ रहस्य लाइव में, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। दोस्तों, इंग्लैंड में जो वर्ल्ड कप अभी हो रहा है, ये वाला वर्ल्ड कप का डिसीजन हुआ था 2013 साल में, और 2015 साल का जो वर्ल्ड कप था जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पे, वो वर्ल्ड कप आयोजन करने वाले थे इंग्लैंड। 2006 साल में 2015 साल के वर्ल्ड कप के बारे में अनाउंसमेंट हो गया था, लेकिन 2009 साल में इंग्लैंड को कुछ इश्यू आ गया था, इंटरनल और एक्सटर्नल, इसीलिए इंग्लैंड ने साफ मना कर दिया था आईसीसी को कि वो लोग 2015 का वर्ल्ड कप आयोजन नहीं कर सकते हैं। और 2019 का जो वर्ल्ड कप होने वाला था उसका डिसीजन फाइनली नहीं लिया गया था, लेकिन ये पक्का था उस बार न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का ही बारी है, तो आईसीसी ने ये बातें स्वैप कर दी, क्योंकि वर्ल्ड कप कहाँ होगा ये एक रूल के मुताबिक तय किया जाता है। ऐसा नहीं इस बार जिस कंट्री वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं अगली बार वही कंट्री फिर से वर्ल्ड कप होस्ट करे, या फिर एक वर्ल्ड कप छोड़ के दूसरे वर्ल्ड कप फिर से होस्ट करे वही सेम कंट्री, इसका एक अलग सा रूल होता है। और आईसीसी के रूल बुक में ये भी कहा गया है कि 20 साल के अंदर कोई भी एक नेशन दो बार वर्ल्ड कप आयोजन नहीं कर सकता है। 1999 में अकेले इंग्लैंड ने आयोजन किया था वर्ल्ड कप को, अभी 20 साल बाद 2019 में आयोजन कर रहा है, लेकिन 2015 में क्यों करने वाले थे, क्योंकि इंग्लैंड इस बार वेल्स के साथ मिलकर ये वर्ल्ड कप आयोजन करने वाले थे। 2019 में भी इंग्लैंड वेल्स के साथ ही ये वर्ल्ड कप का उत्तरदायित्व तो संभालेंगे, तो इसमें 20 साल वाला हिस्सा काम नहीं आएगा। और 2013 साल में डिसाइड किया गया है कि 2023 का जो वर्ल्ड कप होगा वो होगा इंडिया पे, लेकिन 2011 साल में तो इंडिया होस्ट कर चुके थे वर्ल्ड कप, फिर 2023 साल में कैसे कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि 2011 साल में जो वर्ल्ड कप आयोजन किया गया था तब इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश मिलके वो वर्ल्ड कप आयोजन किया था, और 2023 साल का जो वर्ल्ड कप आ रहा है वो सिर्फ इंडिया खुद अकेले आयोजन करेगा, वहाँ पर ना पाकिस्तान रहेगा, ना श्रीलंका, ना बांग्लादेश, तो इस वजह से 20 साल वाला चीज यहाँ पर काम नहीं करेगा। लेकिन ट्रिक ये भी बता रहा है कि 2031 में जो वर्ल्ड कप आएगा वो इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ मिलकर होस्ट कर सकता है। जी हाँ, सिर्फ एक वर्ल्ड कप बाद ही फिर से इंडिया वर्ल्ड कप आयोजन कर सकता है, क्योंकि तब तीनों मिलाकर जो 20 साल का आखिरा होता है वो पार कर लेगा। कॉन्टिनेंट में अगर वर्ल्ड कप होता है तो इंडिया को बहुत आसानी होगा, क्योंकि इंडियन पिच से वाकिफ होता है हर इंडियन खिलाड़ी, हमें तो खेल से मतलब है जहाँ कहीं भी वर्ल्ड कप हो, लेकिन टाइमिंग बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जब वर्ल्ड कप हुआ था एकदम सुबह सवेरे वाला मैच होता था, 5 बजे 4 बजे मैच स्टार्ट होता था, और यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। तो दोस्तों, आपको वर्ल्ड कप के बारे में और क्या जानकारी चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके कमेंट का।